अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी अम्मी हैं घर पर? जी। क्या मैं अंदर आ जाऊँ, उनसे मिल? जी आ जाए। आप अंदर बैठे, मैं मम्मी को कॉफी बुलाता हूँ। ठीक है। चोरी का मार्बल और टाइल्स यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। वाह भाई, चोरी के माल से कितना शानदार बंगला बनाया है किसी ने। जान, इसका मतलब है कि ताया जान ने खुफिया शादी कर रखी है। किस काम के लिए यहाँ आई थी? और यहाँ तो एक नया ही पेंडोरा बॉक्स खुल गया। आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। आया बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक अभी आंटी आई थी। आई थी तो फिर कहाँ चली गई? आप जाओ, जाके चौकीदार को बुलाओ। उसने अंदर कैसे आने दिया किसी को? आपने उसको ग्रोसरीज लाने के लिए भेजा था। एक मिनट, कौन है आप और अंदर कैसे गई? मेरी बात सुनो, कौन है आप अंदर कैसे गई? रुको भाई, कौन हो? मैं कह रहा हूँ रुको, आप कौन हो? रुको, कौन थे ये लोग और अंदर कैसे गए? साहब को पता चला, साहब मेरी जान ले लेगा, नौकरी से भी निकाल देगा साहब मेरे को। अरूज, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है आखिर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं हमें पता कैसे चलेगा। कोई तो क्लू मिला होगा। इदरीस साहब, लेकिन ये इदरीस साहब के साथ जो खातून है, यकीनन ये इनकी दूसरी बीवी है। सिर्फ दूसरी बीवी ही नहीं, साथ एक बच्चा भी है। इसका मतलब हाँ ताया जी, वाह, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम क्या सोच रही हो? हैरान हो रही हूँ मैं लोगों के इतने सारे चेहरों को देखकर। ताई जान के होते हुए ताया जान ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन पहली बीवी को बताए बगैर करना तो गलत बात है ना? हाँ, ठीक कह रही है। मैं तो समझता था कि इदरीस साहब सिर्फ पैसों की हेरफेर करता है, लेकिन यहाँ तो वो रिश्तों की भी हेराफेरी कर रहे हैं। बेईमान लोग ऐसे ही होते हैं, ना पैसों के होते हैं ना ही रिश्तों के। ठीक कहा। जो लोग बददियानत होते हैं वो सिर्फ हिसाब किताब लेन देन में ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों तक में बददियानत होते हैं। इदरीस ताया जहां काम करते हैं वहां भी छूटे हैं और ताई जान के सामने भी छूटे हैं। जब तक पर्दा पड़ा रहे ऐसे लोग जमाने की नजरों में मोतबर बने रहते। ताया जान खुद को बहुत बुलंद मकाम पर समझ रही मगर उन्हें अंदाजा नहीं कि वो कितनी बुलंदी से नीचे गिरेंगे।